हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात करेंगे सिफेलोकॉर्डेटा की। सिफेलोकॉर्डेटा यानी कि हम कॉर्डेटा के एक सब फाइलम की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो बात की थी, हमने यूरोकॉर्डेट्स की बात की थी। और हम एक बात और भी जानते हैं कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को अगर कंबाइन किया जाए, दे आर नोन एज द प्रोटोकॉर्डेट्स। अब हम बात करेंगे कि सिफेलोकॉर्डेटा को सिफेलोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं। सिफेलो, सिफेलो मीन्स हेड, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड बियरिंग। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करती है फ्रॉम हेड टू टेल, और उनकी पूरी लाइफ ये परसिस्ट करती है, यानी पूरी लाइफ ये रहेगी, इट विल नॉट कन्वर्टेड इन टू द वर्टिब्रल कॉलम, वो ऑर्गेनिज्म आपके सिफेलोकॉर्डेटा कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे सिफेलोकॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर द स्मॉल, यानी कि जो इनका साइज होता है वो 5 to 8 सेंटीमीटर तक होता है। ये छोटे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और मैरीन, मैरीन यानी एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। एंड फाउंड इन शेलो वाटर, यानी बहुत डीप में नहीं पाए जाएंगे, ये शेलो वाटर में पाए जाते हैं, सी शोर्स के साइड पर पाए जाएंगे। और साथ ही साथ दे आर मेटामेरिक, यहाँ पे देखेंगे इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, ट्रांसपेरेंट होगी, बहुत क्लियर जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट है। ये जो सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं ये इनकी बॉडी में क्लियर दिखेगी, बाहर से ही दिखेगी, बिकॉज दे हैव अ ट्रांसपेरेंट बॉडी। एंड दे लुक लाइक अ फिश, देखिए कैसे दिख रही, दे आर नॉट अ ट्रू फिश, लेकिन ये कैसे दिख रहे हैं, फिश की तरह दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें तो हमें एक फिश की अपीयरेंस दिख रही है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिफेलोकॉर्डेट्स, मीन्स ये स्मॉल है, सिलेंड्रिकल है, ट्रांसपेरेंट है, मेटामेरिक है एंड दे आर मैरीन। सेकेंड है, दे आर द ब्लू प्रिंट्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द ब्लू प्रिंट्स? ब्लू प्रिंट्स मीन्स कॉर्डेटा की एकदम एग्जैक्टली कॉपी है। तो कैसे? दे आर द सिंपल प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, क्योंकि इनमें जो कॉर्डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही क्लियर दिखते हैं। एक कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपको पता है, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फारेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल्टी। ये 4 जो कैरेक्टर्स हैं वो 4 कैरेक्टर्स एक सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट रहते हैं, पूरी लाइफ इनके लाइफ रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द ब्लू प्रिंट्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, इट लीड्स डबल मोड ऑफ लाइफ, यानी दोहरा जीवन। कैसे ये दोहरा जीवन जीते हैं, या दे शो द डबल मोड ऑफ द लाइफ? बेसिकली क्या होता है, दे आर बरोइंग इन नेचर, यानी जो समंदर के किनारे जो सैंड होती है उसमें ये बिल बना करके रहते हैं, और उस बिल में इस तरीके से रहते हैं कि जो इनका हेड जो होता है, यानी हेड मीन्स एंटीरियर, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये जो कहेंगे इसको हम एंटीरियर कहेंगे और इस पार्ट को हम पोस्टीरियर कहेंगे। ये जब बिल बना के रहेंगे तो उसमें जो इनका एंटीरियर पार्ट है ये बाहर रहता है। क्लियर? अब क्या होता है, ये तो डे टाइम पे रहते हैं, जब नाइट आती है तो ये क्या करेंगे, ये बरो से यानी बिल से बाहर आएंगे सैंड में जहाँ पे दबे हुए थे, और ये तैरने लगेंगे, स्विमिंग, दे स्टार्टेड द स्विमिंग। जैसे ही डस्क होगी या शाम जैसे ढलने लगेगी तो ये उसमें स्विमिंग करने लगेंगे रात में। और कैसे स्विमिंग करते, वर्टिकली यानी खड़े होकर के उसमें स्विमिंग करेंगे, लंबे रहेंगे, यानी ऐसे ना होकर के इसको टिल्ट कर देंगे इस तरीके से, तो ये इनकी पोजीशन वर्टिकली हो जाएगी, ये एंटीरियर पार्ट हो जाएगा और ये इनका पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, अगर वहाँ पे कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाए जहाँ से कोई भी इनको डिस्टर्ब कर दे, तो ये फटाफट क्या करेंगे, दे रिटर्न टू देयर प्लेस, ये सैंड में आ जाएंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे आकर के ये उसमें बेरी हो जाएंगे, लेकिन अब किल उल्टा जाएंगे, एंटीरियर पार्ट यहाँ रखेंगे पोस्टीरियर, और फिर ग्रेजुअली ये अंदर यूट्यूब बरो बनाएंगे और फाइनली इनका एंटीरियर पार्ट बाहर आ जाएगा और पोस्टीरियर पार्ट अंदर रहेगा। इसीलिए इनको कहते हैं दे हैव अ डबल मोड ऑफ
लाइफ, क्लियर। चलिए इनमें अगर हम देखें, हेड लैग करेगा और बॉडी ट्रंक और टेल में डिवाइड रहेगी। हेड देखिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपको हेड नहीं दिख रहा है, और जो बॉडी है ये पार्ट ट्रंक है और ये टेल में डिवाइडेड है। पेयर अपेंडिजेस लैग, जब हम एक फिश की बात करते हैं तो हमें उसमें पेयर अपेंडिजेस दिखते हैं, लेकिन जो हमारा सिफेलोकॉर्डेटा है उसमें पेयर अपेंडिजेस लाइक नहीं करेंगे, जैसे कि ये डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉडल फिन, ये पेयर नहीं है। ये जो फिन है ये सिंगल सिंगल फिन है। तो ये क्या है, ये सिफेलोकॉर्डेटा के जो अपेंडिजेस होंगे वो कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे, क्लियर। मसल्स जो हैं वो सेगमेंटेड होंगी, इनकी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, बाहर से ही दिखेगा। और ये इस तरीके की जो चीज़ें बनी हुई हैं, बेसिकली ये क्या हैं, ये सेगमेंट्स हैं मसल्स के, मायोटोम्स हैं। मसल्स सेगमेंट बनाते हुए यहाँ पे लगी है, तो हम कहेंगे मायोटोम्स सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट रहते हैं। एक्सोस्केलेटन, कोई बाहर से कोई कवरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, दे आर ट्रांसपेरेंट, इनका कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं रहेगा। इनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वह सिंपल रहेगा, जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की फॉर्म में रहेगा, जिसमें गैंग्लिया और ब्रेन नहीं रहेगा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा ब्रेन और गैंग्लिया में, बस डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। सीलोम जो है एंटीरोसीलस है। लीवर, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें डिवाइडेड रहेगा, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, तो उसमें मिडगट डाइवर्टिकुलम को ही हम लीवर कंसिस्ट करेंगे, अलग से, जैसे ह्यूमन बॉडी में एक अलग से लीवर दिखता है, तो उसमें इसमें मिडगट डाइवर्टिकुलम को ही लीवर कंसिस्ट किया जाएगा। इसमें जॉ एब्सेंट रहते हैं, जॉ नहीं प्रेजेंट रहेंगे। एडल्ट एंड लार्वा दोनों ही क्या रहते हैं, मोटाइल रहते हैं, यानी दोनों ही क्या करेंगे, मूव करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। अगर इनके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ आइस, डेवलप्ड आइस नहीं होंगे, लेकिन आई स्पॉट प्रेजेंट रहते हैं, ऑसिलाई प्रेजेंट रहते हैं, जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इनके जो सिस्टम्स इनकी बॉडी में पाए जा रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो वो सिस्टम्स क्या क्या हैं उनको हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा वो रहेगा कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें फैरिंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे फैरिंग्स प्रेजेंट रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगी। ये गिल स्लिट्स यहाँ नीचे अगर आपको एक रीजन दिख रहा है तो ये है आपका एट्रियम, और ये है एट्रियोपोर, यानी कि जो भी वाटर इनके अंदर आएगा फैरिंजियल गिल स्लिट से होता हुआ एट्रियम में आएगा और एट्रियोपोर के थ्रू बाहर आ जाएगा, एंड दिस फॉर्म आर डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट रहेगा। दूसरी हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सिंपल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको देखना है, इसमें रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं है। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द बॉडी सरफेस, इनका जो बॉडी सरफेस है उसी से गैसियस एक्सचेंज होगा। थर्ड वन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है, ओपन नहीं है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट विदाउट हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट नहीं है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है
फोर्थ वन अगर हम बात करें इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स। ये सेल्स होती हैं, ये एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं, इनके साथ इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे हमने इतनी बात की है, इनमें जो मोड ऑफ फीडिंग होती है, दे आर द सीलियरी फीडर्स, इनमें सीलिया होते हैं, सिराई होते हैं, उनसे वो जो फीड है वो सीलिया के थ्रू लेते हैं, सीलिया के मूवमेंट्स के थ्रू। फिफ्थ वन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें, इनमें अगर हम यहाँ पे देखें तो इनमें क्या होता है, गोनेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो रहेंगे इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट रहते हैं। इनमें गोनेट्स जो हैं वो मेटामेरिकली अरेंज्ड है, यहाँ पे देखिए रेड कलर से बने हुए हैं, दीज आर द सेगमेंटेड गोनेट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इनके जो गोनेट्स हैं उनकी जब हम बात करेंगे तो ये सेगमेंट में प्रेजेंट रहेंगे, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी, और जो डेवलपमेंट है वो कैसा रहेगा, वो रहेगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब समझते हैं, यानी कि इसमें फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म इंक्लूड होगी, फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म इंक्लूड करेंगे। इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है जिसमें लार्वल फॉर्म इंक्लूड होती हैं उनको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके की चीज़ें देखी हैं, और ये लार्वा जो है फिर डेवलप्ड होगा इनटू द एडल्ट। तो ये एक तरीके का पूरा सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। अब हम यहीं पे इसी के साथ साथ इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जरा सा हम इनका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि इनके क्लासिफिकेशन में क्या रहता है। और यहाँ पे फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म है एंड गो फॉर प्रोग्रेसिव, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, रेट्रोग्रेसिव, यहाँ पे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमने यूरोकॉर्डेट में देखी थी, इसमें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगी, यानी कि लार्वा से एक डेवलप्ड एंड एडवांस्ड, यानी कि मॉडिफाइड जो एडल्ट होगा वो लार्वा से एडवांस्ड होगा। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में इनके एक क्लास देखिए, अब अगर हम कहें तो सिफेलोकॉर्डेटा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम 35 स्पीशीज को इंक्लूड करेंगे। ठीक, और उसी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ सब फाइलम ऑफ, सिफेलोकॉर्डेटा इज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, और इसकी एक सब क्लास है दैट इज अ लैप्टोकार्डे। ये किसकी है, ये सिफेलोकॉर्डेटा की एक सब क्लास है जिसको हम लैप्टोकॉर्डाई कह रहे हैं, और इसके बाद इसकी एक फैमिली है, फैमिली को हम कहेंगे ब्रैंकियोस्टोमेटे, ब्रैंकियो स्टोमेटी। और ये जो फैमिली है इससे क्या होगा, टू जेनरा होंगे, टू जेनरा यानी कि दो जीनस, एक क्या हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों को हम देख लेते, एक एसिमेट्रॉन होगा, एसिमेट्रॉन है, और पहला वाला जो है वो है हमारा ब्रैंकियोस्टोमा। क्लियर, हमने यहां पे देखिए दोनों में जीनस है, अभी हमने यहां पे ब्रैंकियोस्टोमा का अगर हम एग्जांपल देख ले तो हम जो डिटेल में पढ़ते हैं जब भी हम सिफेलोकॉर्डेटा या कोई भी हमारा क्वेश्चन आता है तो रिलेटेड टू द
ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा जिसको कि हम एम्फियोक्सिस के नाम से भी जानते हैं और इसे हम कॉमनली लेंसलेट्स कहते हैं, क्योंकि लेंस लाइक होते हैं, इसके दोनों जो बॉर्डर्स हैं वो क्या होते हैं, नैरो टाइप के रहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं और बीच में थोड़ा सा स्वेलअप रहता है। तो इस तरीके से ये एक जो हम सिफेलोकॉर्डेटा में पढ़ते हैं, हम ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लेंसलेट्स की स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम 8 स्पीशीज, इसके अंदर हम 7 स्पीशीज की स्टडी करेंगे। दोनों में जो डिफरेंस है बहुत ही क्लियर, एक डिफरेंस है उसको आपको समझना है। यहाँ पे जो हमने गोनैड्स देखे हैं, एसिमेट्रॉन, यानी कि इसमें जो गोनैड्स हैं वो अनपेयर्ड हैं, उनमें पेयरिंग नहीं है, जबकि ब्रैंकियोस्टोमा में गोनैड्स की पेयरिंग है। इसमें राइट साइड पे बस गोनैड्स प्रेजेंट रहेंगे ऑर्गेनिज्म में, साथ ही साथ जो इनका मेटाप्लूरल फोल्ड है ये जो है अनसिमेट्रिकल होगा, यानी कि इनकी फोल्डिंग्स अनइवन होगी। इसमें क्या है, इसमें आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, उसमें अनसिमेट्रिकल दिखेगा तो वो आपका एसिमेट्रॉन हो जाएगा। ब्रैंकियोस्टोमा में आपको मेटाप्लूरल फोल्ड जो है सिमेट्रिकल दिखेगा, गोनैड्स जो होंगे वो पेयर्ड होंगे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू जीनस, वन एंड टू जीनस ऑफ द सिफेलोकॉर्डेटा। तो आपने देखा इस तरीके से पूरा हमने आज जो पढ़ा है, पूरे सिफेलोकॉर्डेटा को पढ़ा है। अगर आपको इसमें लगता है कि आपको कुछ और भी जानना है, कुछ और पूछना है, तो यू कैन राइट इन आवर कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।